रोज रोज मार्केट में वही सेम सामान, मैं तो आके बोर हो गई, कुछ नया तो मिलता है नहीं, क्या करें मार्केट आकर। जब हम रोज मार्केट जाते हैं और खरीदते कुछ है नहीं, तो वही सामान वापस देखने को मिलेगा ना बार बार, कुछ नया कहाँ से मिलेगा। कौन था ये लड़का? ये शास्त्री अंकल का लड़का था, इसीलिए चोर से पर्स वापस लाके दिया है। चलो। अरे शास्त्री का लड़का है बहुत बढ़िया, मेरा पर्स बचा लिया उस चोर से उसने। बात तो सही है, लेकिन इस पर्स में पैसे हैं कितने? 15 रुपए। 15 रुपए? अरे तुम्हारे पापा ने 200 रुपए ही तो दिए थे, 185 खर्च हो गए मेकअप के सामान में, बचे 15 रुपए। 15 रुपए? 15 रुपए तो वो चोर हमारे घर खुद लेके आता और हाथ अलग जोड़ता कि मैं इतने पैसे रखूं कहाँ पे। चलो घर चलो तुम जल्दी। और तेरी जान की कसम, और तूने बहुत तगड़ा काम करा, यूं समझ तेरे भाई का काम हुआ रखा। इसी साथ मेरी दावत बैठे बिल्कुल, लेकिन बता मुझे किसी ने पहचान को? बिल्कुल नहीं पहचाना, तूफान की तरह निकला वहां से। पक्का? बिल्कुल पक्का, पकड़ में नहीं आया। दावत होगी तेरी। अच्छा ये बता, हाँ उसे चेक करा था या नहीं? पैसे तो लिख लो उसमें। अब पैसों के मारो थोड़ा ही करवाया ये काम, तो चोर समझ रहा मुझे। फीलिंग समझ भाई की फीलिंग, किसी को बताना नहीं मिले बोले। ठीक है, विक्की अगर पूछ रहा ना रस्ता बिल्कुल नहीं देना, आई गई पिला दूंगा, ठंडा पिलवा दिया अफलातून की दुकान से। हाँ बिल्कुल चला भी चल दे। अरे विक्की किधर चले? यहीं जा रहा मैं तो मोहल्ले तक के। मोहल्ले पड़ोस से बड़ी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारी, तुमने जलील करा दिया हमको। अरे झूठ बोल रहे पिताजी, मोहल्ले वाले बहुत मारपीट फसाद करते हो तुम, है? ये क्या हुलिया बना रखा है? ये तो पिताजी फैशन है। फैशन नहीं, ये गुंडों वाला हुलिया है, निकालिए इनको। चलिए जलील करा कर रख दिया हमको, जीना हराम कर दिया हमारा। देखो अब तो ठीक है। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना, कोई शिकायत ना मिल जाए मुझको। और जी अफलातून साहब ठीक हो? हाँ भाई तू सुना क्या हाल है? बढ़िया जी, लाओ एक चिप्स खुआ दियो। अच्छा लाओ भाई चिप्स। आज गर्मी बहुत है, मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था 5 दिन और बहुत गर्मी रहेगी भयंकर वाली। 5 दिन और? हाँ तो 5 दिन हम लगातार नहा लेंगे। यू 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 तो क्या गर्मी में ही नहाएगा भाई, नहाने का मजा ही गर्मी में। हाँ कौन वो लड़का? चेहरा देखा तुमने ना उसका? चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो मुझे बाबा बद्री के लड़के कोबरा जैसा लग रहा था कुछ कुछ। लग तो वैसे ही रहा था कदकाठी से वैसे। वो बिल्कुल, तुम्हें कैसा लग रहा? मुझे तो वो कोबरा ही लग रहा था, उसके अलावा वो भी कौन सा है कोबरा के अलावा। भाभी जी क्या बात है, क्यों बड़बड़ाती जा रही गुस्से में? क्या बताऊं भाई साहब, आज तो नुकसान होते होते बच गया। चोर पर्स लेके भाग गया था। अच्छा। वो तो बुलाओ शास्त्री जी के लड़के का, पर्स छीना और हमें दे दिया, नुकसान होने से बच गया हमारा। शास्त्री के लड़के ने खाली पर्स दिया छीन का, अगर मैं होता ना चोर की टांगा तोड़ देता। अरे पहले अपनी तो संभाल ले। अरे अपना तुम साहब तो मैं नहीं पता,
वो एक नंबर का ठलवा शास्त्री का लौंडा। अरे तू कौन सा ठीक है भाई, तू भी एक ठलोगे से बड़ा ठलवा। अरे दिमाग खराब ना करिए, ठोका पोका सा पलट दूंगा प्रभु। गोली वाली पी लिया मेरा भाई भी यार, प्लास्टिक वाली पिला दे देगा। मेरा भाई भी आज गोली वाली पी ली, बढ़िया लगेगी तुझे। देख तेरा काम होया पड़ा, अगर तू मुझे प्लास्टिक वाली पिला देगा देख ले। बाल पैसे। चल फिर ठीक है, गोली वाली पिला दे। गोली वाली ठीक है, मजा आएगा उसमें भी तुझे। भागते चोर की लंगट्टी से यार, यूं विक्की ही लगेगा वाकई। यही फिर हो जाए तो यार, यूं विक्की मेरे तो बहुत जड़ रहा आज। अच्छा पता जिम में अपना तो उनकी दुकान में बैठो ना घुरो यार। लोग निकी जो होती बात पे मोबा भागी लम्दा दिया तो अभी सब आज कचे दिमाग का दिया। तो कह तो इसे रास्ते से हटा दूं। बदुर छोटे पागल, तुझे हटा दूं। उनका लोग गंजा मैं कपनी कभी इतना मंदा हुआ, बहुत ज्यादा जान मुसीबत में आ गई। मुझे कहाँ भी राज के साथ तेरी के लम्दे की साथ में। अरे हम गए कौन सा लड़ना थोड़ा यार। ठीक है उतिरो बाबा, सीधा चलता रही हूँ बस। आराम अपनी औलाद को पहुँचाते गराब तुम बाप जो पूछो। ओ ओए वो ये ने काफी रात है इसकी बवान के साथ में, जो तो हो जाए बवान तब भी अब बवान को लगा चलिए घर। मैं कौन से जन्म का बदला दे रात जन्म से बदला। मेरी थोड़ा ही गलती। वो किसकी गलती बताऊंगा तेरे बाप को। अपने को समझा पहले। हाँ जाऊंगा तेरे बाप के साथ तरीके तो मैं। हाँ बता लिए तब मत ही छोल। चलिए ना घर चलिए, देखो अभी खुले पवे पता नहीं कहाँ भी वे कहाँ नहीं है। चलिए देख क्या हाल है चाचा। बढ़िया भाई तू बता। मैं बढ़िया, एक ठंडा पी लियो। ये देखो ये करिए इस आदमी ने सफाई, सारा फर्श गंदा पड़ा है। अब ये देखो ये कपड़े पड़े हैं, ये आदमी कुछ करता ही नहीं, धो दिए तो इन्हें फैला भी आता। अनमता ये कपड़े फैलाओ बेटा। ठंडी कहाँ हो रही है। ओ भाई लाइट आ रही है आजकल, लाइट देख नहीं रहा क्या हाल हो रहा लाइट का। और वो हमारे पिछले पैसे भी देता भाई। पैसे थारे जो है ना पीर को आ जाएंगे यार, परसों भी नहीं कह रहा तू पीर को आ जाएंगे। पीर को ले लियो पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था अब बैठे चापट तो नहीं है, तो फिर मुक्का दे दो इसे। मुक्का दान चापट की है बाबा, आगे से ले ले दूसरी दुकान पे जाके उस्ताद। भाई काम कुम तो इतने मंदे पड़े बस क्या बताऊं, लोगों पे पैसे हैं वो नहीं दे रहे हैं, बता कहाँ से लाएं। लोग कहाँ पे दे देंगे, जिनने ले लिया वो कहीं देगा किसी का। ये नेटवर्क कहाँ चली गई। अनम अनम बेटा। हाँ मम्मी। कपड़े फैला दिए तुमने। हाँ अच्छा जाओ मेरे लिए एक शैम्पू लेके आओ अंकल की दुकान से। लाओ पैसे तो दे दो। पैसे क्या ना अम्मी दे देंगी। ठीक अजी सही बात बताऊ। हाँ। बस इनका ऐसा ही काम है। हाँ इसीलिए तो दूसरों को बुरा कहने वाली बात, और इसीलिए परेशान भी था। हाँ, बिल्कुल ऐसा तो होगा ही किसी को परेशान। शैम्पू दे दीजिए। कौन से देने हैं। डब के दे दीजिए। ये लो और क्या देना है। और कुछ नहीं पैसे अम्मी बात। कोई बात नहीं रुको रुको, ऐसे करो दो कंडीशनर भी ले जाओ, आपकी मम्मी शैम्पू के साथ जरूर लेके जाती हैं। ठीक है बाद।
अच्छा भला दून। हाँ भाई। मगा थोड़ा ध्यान रखो। किस बात का? अरे यहाँ एक का घंटा लोग बाग बैठे रहे। अरे वैसे ठंडा ही तो फिर बैठ के। तेरा तेरा पक्का है डी मैं समझ गया नहीं और नहीं आजा देख। हाँ सिमरन। ए सिमरन अभी आई इब्राहिम दो मिनट। नाचना नूचना नहीं। हाँ आजा। आइए आइए। इस घर का कैसे काम पड़ा है जैसे तुम्हारे इस घर की नौकरानी सारा दिन मैं ही काम करती रहूं यहां पे। अरे भगवान ये सब बिखरा पड़ा है कम से कम बर्तन तो मान लिया होता आपने। मैंने आपके घर का ठेका नहीं रखा नौकरानी नहीं हूं जो मैं सारा दिन काम करती हूं आप खुद मान लीजिए जाके। हाँ। किट्टी पे जाना है। और वो सिमरन कहां गई? सिमरन बेटा कहां जा रही हो आप? मम्मा दोस्त से मिलकर आ रही हूं 5 मिनट में आ जाऊंगी। ठीक है जरा जल्दी आना। इनका मां बेटी का पता नहीं क्या। हाँ इब्राहिम बता क्या बात थी? देख सिमरन आज तेरे दर ना एक बात करने मुझे हो रहा। आजा कोबरा। यो है मेरा एडी कोबरा और ये ना मेरे लिए बहुत कुछ है। जैसे कि मतलब कि मेरा कैसा भी काम हो यो मुझे मना नहीं करता। ऐसे दोस्त सबके पास होने चाहिए। हाँ और देख तू मेरी दोस्त है। बिल्कुल हूँ। तो मैं ना ये सोच रहा कि आज क्यों ना कोबरा के दिल की बात तुझे बता दूँ तो आज मैं इसे ले आया। कोबरा अपने दिल की बात कह दे सिमरन को। सिमरन? हाँ बोल। मैं ना देख तुझे पसंद करता हूँ। कब से? कम से कम 11 साल हो गए मैं देख तुझे पसंद करता हूँ और देख मैं तेरे से प्यार भी करता हूँ। अतरा सिमरन आई लव। अब तो सो जा। सपने में हो गया रकमा सारा दिन होएगा सास्ते भी के लम्बे की साथ में बुरान फिर रहा बर्तन तेरा बाप मान जाएगा। हाँ तो मांझ लो तुम। चलिए बर्तन मांझ मुझे काम पर भी जाना। भगवान शास्त्री के लम्बे की साथ में अपना काम धंधा तो कुछ देखना नहीं गए थे भगवान फिर ना। ओ कोबरा उबाइए नेक वहाँ चला जा पल्ले मोहल्ले में। अजय किली पर अजय पिछते का जम सहित की बहू को दिया हन्ने का अपनी तरफ भी देख लिए सब लिखी जा रही थी ब्याह में निकलने का कोई कहाँ भगवान की बात हुई। ठीक है पा आदमी बन जा आदमी कहाँ चंदोरी बना का तेरा जल्दी अजय ने कालू रखे मैं उबाल कर भुर्ता बना लो आपका। हाँ भुर्ता तेरा भी बढ़िया बना आजमा यहाँ से ना मिले पूछे। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा बोल रहे तो सब इसका जाना बहुत शरीफ है। अरे कैसी बात कर रहा जमील। अरे बाबा बदरी आ रहा है। बाबा भाई। हाँ। चल दिया सागे। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठ जा जा। तो भाई फेरी पे चले। अरे बस पैसे ही पैसे तुझे तो तू तो पैसे ही खावे निकल सुबह शाम रोटी खाता ही नहीं। नहीं खाई तो रोटी जा तो मेरे यार बैठ जा जा। वो भाई आकर उसे भी पकानी यार मुझे जान तो तुम। अरे बैठ जा भाई। अरे बैठ जा मेरे यार यहाँ आराम से दो बात मारे से भी कर ला कर यार तू तो पैसे के चक्कर में सबको बोल दो यार आज नहीं आती कोई बात नहीं है। और यार भाई इनका जो मामला तुझे बताऊं आज कच्चे साल हो। तेरी दुकान तो कितने छोटा। हाँ छोटा था। 5 रुपए की सूजी
200 रुपए की भेड़ दे लो कल झूठी तारीफ कर दे। सही कह रहा है भाई। बेवकूफ नहीं कोई रहा जो 5 रुपए की चीज की 200 में देगा। अरे ये पागल ये है नौकरिया नजर बल्ली पिस्ती खरीदो हलवो मेरे सपनों के रानी कब आएगे तू चल आए तू। वो ना बार बार मारी तेरा बारा। अरे तेरा अच्छा सन लगता। अच्छा कोई बात नहीं सर भाई हम अपना आप सीधा कर लेंगे अपना को। अच्छा जी ठीक है जी। ओ बेटे इब्राहिम की सारी बात विक्की ने अब्बा को बता दी कि वो मोहल्ले में जावे पढ़ ले। अब इब्राहिम को बताऊं तेरे अब्बा को बता दी विक्की ने। आज विक्की लंगड़ाया था। अच्छा हाँ और तड़ी दे के गया। अरे हाँ नु कह रहा यहाँ फालतू लौंडे ना बिठाया करो। चल वो तो सही है लौंडे फालतू क्यों बिठा ले। अरे भाई उनका बहुत तगड़ा खानदान है बदमाशी रे बहुत। इसी तो सी मजाक चले थी मतलब। हाँ मजाक बोलती रहती मैं तो उससे सही कह रहा जब। बताओ जी तभी बताओ। तीन जेल में कहीं को नमटा रखे उन्होंने। अरे भाई सही कह रहे इनके बढ़ते हुए में 50-60 साल जी तो पूरे परिवार के है। बताओ मैं तो 70। अच्छा जी। अरे जरा ही जेल में पछवाड़ा चीज जा मैं तो। दूर आ गए ऐसे आदमी तो दूर ही मैंने कोई बोला मैं तो चुप रहा। सही करा चले भाई। अच्छा हाँ चल भाई करिया में फिर यार। ठीक है खेल भी लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है भाई। वालेकुम सलाम मेरे भाई। मुझे भी बता कितनी देर हो गई गया वो दीदी। क्या हो गया इसका काम। बस सुन तो जा तू अट जा तू बमान में लेकर किसी के तू पता नहीं कहाँ जाएगा मैं भी बताऊंगा उसे। कहाँ जा तू छोड़ने का नहीं। कहाँ जाएगा भी तो बात था घन चक्कर का पहला भाग। भाई इसमें घन चक्कर में तुम कहां को आए चक्कर मतलब के कौन सा पार्ट तुम्हें वीडियो का बढ़िया लगा कमेंट में जरूर बता दियो। और भाई 20 मिलियन तो ज्यादा कह दी भाई 2 मिलियन करवा दो जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई निच्चा आ रहा होगा लाल सा बस उस पर उंगली लगा के उसे काला कर दियो वही मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा और दूसरा पार्ट ना बहुत ही जल्दी आवेगा। तो तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और 20 2 मिलियन करवा दो भाई जल्दी से जल्दी। ऐसे हंसते रहो मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया।